नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। नहीं, ये दोनों बीजेपी शिवसेना जो है ये राम और शाम की जोड़ी है और ये दोनों हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। एक ही हिंदुत्व रंग में ये रंगे हुए हैं और इनमें जो टकराव हो रहा है ये तो सोचना चाहिए इन लोगों को, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र की आवाम को, महाराष्ट्र की जनता को एक सरकार की ज़रूरत है और पहले नंबर वन की पार्टी बीजेपी है, दूसरी शिवसेना है। अब सरकार नहीं बन रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब आवाम को मालूम हो जाएगा कि वोट कौन काट रहा है, कौन इसकी सपोर्ट कर रहा है। तब ये हिंदुस्तान की जनता और महाराष्ट्र की जनता जान लेगी, मगर हम इस शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, अगर उनको मौका मिलता है तो हम उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा मानना यह है कि शिवसेना और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। दोनों हिंदुत्व के फोर्सेज हैं और खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अब जाने वाले हैं अयोध्या। कांग्रेस पार्टी भी माशाल्लाह जजमेंट आने के बाद उन्होंने कह दिया कि हम तो तैयार हैं। तो ये तमाम चीज़ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी असली चेहरे दिखा रही है, और जो हमको यकीन था इनका असली चेहरा यही। एबी न्यूज की खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, अनुरोध, विनती, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हमारे पास तक पहुंचाना चाहते हैं तो एबी न्यूज पर दिखाए जा रहे स्क्रीन पर नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध, विनती और गुजारिश रहेगी कि हमारे न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।